अम्मी के लिए फरमान भाई ने भिजवाए हैं पैसे। मुझसे तो इतनी बकवास कर रहा था, उस वक्त नहीं कह सकता था कि दे दूंगा। चले छोड़े ना अम्मी, कभी इंसान का कुछ मूड होता है कभी कुछ। सॉरी कहने के लिए भी कह रहे थे वैसे आपसे, खुद आए थे मगर आप थी नहीं तो मुझसे कहा कि मैं बहुत सॉरी कर दूं उनकी तरफ से। सॉरी? और मुझसे? मेरे साथ इतना फरमा बरदार कब से हो गया वो? चले अम्मी, अल्लाह ताला जब चाहे नेकी दे दे। और क्या कह रहा था? हाँ कह रहे थे कि चाची से कहना पुलिस स्टेशन ना जाए, मैं खुद रिपोर्ट लिखवा दूंगा। अच्छा, बाकी अल्लाह किसी के दिल में नेकी डाले तो क्या कर सकते हैं। कितना क्यूट है ना? कितना प्यारा बेटा है विरसा आपका। सच में इतने क्यूट बच्चे बहुत कम होते हैं जिन्हें देखते ही इतना प्यार आने लगता है। क्या नाम रखा है इसका विरसा? एहसन, एहसन नाम है इसका। कितना प्यारा नाम है एहसन। इसके पापा ने रखा है ये नाम। वकार भाई ने? वैसे विरसा वकार भाई कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो अभी ऑफिस से नहीं आए। आप दोनों बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही हाथ पांव फैलाने नहीं लगे? अब तो तुम्हारे रिश्तेदारों का भी आना जाना शुरू हो गया। कि वही लड़का है ना जिसके साथ तुम रंगे हाथ में पकड़ी गई थी, तुमने उसे यहाँ भी बुला लिया। मैं तो तुम्हारी ढिटाई और बेशर्मी की फैन हो गई। इतना कुछ याद है तो मैं एक और बात बताती चलूं। ये लोग मेरे मेहमान हैं और मेरे मेहमानों के सामने तमीज से पेश आऊंगा। अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में रखने से पहले सोचूंगी भी नहीं। अरे वाह, तुम्हें तो धमकियां देना भी आ गई। सिर्फ धमकी देना आ गया या फिर उस पर अमल करना भी आ गया? अगर कोई शक है तो ऐसी वैसी हरकत करके देख लेना, खुद पता चल जाएगा। और तुम बताओ आदिल, कब कर रहे हो शादी? अब दो जवाब। मुझसे तो इस मौजू पे बात ही नहीं करते। विरसा तुम ही पूछो। अरे शादी का क्या है विरसा, एक ना एक दिन हो जाएगी। बहुत गर्म था। It's okay, it's okay, it's okay. सब तुम फिर आ गए, आखिर तुम चाहते क्या हो? और तुम बकौल तुम्हारे तुम झूठ नहीं बोलती तो फिर ये सच जो तुम्हारे सामने बार बार आके खड़ा हो जाता है इसे कैसे झुठलाओगी तुम? बता क्यों नहीं देती कि तुम दोनों के दरमियान? बकार, आपने जब भी सच को देखने की कोशिश की है सिर्फ अपने नजरिए से देखा है, आप कभी भी हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि हर बार सिर्फ मैं ही गलत होता हूँ, तुम नहीं? तो आज मैं तुम्हें गलत हो के दिखाता हूँ। वकार, ये क्या पागलपन है, घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसे करता है?
अपनी मंगेतर के साथ वो हमारे बेटे की मुबारकबाद देने आए हैं। मंगेतर जी, कब से इंतजार कर रहे थे दोनों आपका कि आपको मुबारकबाद देंगे। आप मेरे मेहमानों को अभी इस वक्त सॉरी बोलें। I'm very sorry. मुझे लगता है वकार अब आएगा नहीं। हमें चलना चाहिए। I'm so sorry. वो तेरा सा शर्मिंदा है। अब वो आप लोगों के सामने नहीं आएंगे और वैसे भी पहले भी जो कुछ होता रहा नेक्स्ट टाइम। हाँ, आई एम सो सॉरी। जो कुछ होता रहा मतलब? अस्मा, जिस तरह आज वकार गलतफहमी का शिकार हुआ है, एक दो बार पहले भी इस तरह गलतफहमी का शिकार हो चुका है। वो तो शुक्र है कि तुम साथ थी, वरना इसका मतलब मेरी अहमियत है ना। बिल्कुल है तुम्हारी अहमियत। मैं तो आदिल से कहती हूँ कि तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी इसे। बिल्कुल, आदिल को अब मुझसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। क्यों? वकार, प्लीज मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहां से। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बस जाए। अच्छा, बात मत कर, ऐसे ही मेरे सामने खड़ी रहो। इतना अरसा जो कुछ होता रहा उसमें मैं बहुत तड़पा, बहुत रोया। आप सिर्फ रोए नहीं, बुलाया भी है। की मिलया तेनू, की मिलया मेरा दिल तोड़ के, यादां दी मैनू यादां दी मेरा प्यार मोड़ दे। शायद अपने रकीब के इंसल्ट करके पछता रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुम सारा मलबा मेरे ऊपर डालना चाहते हो? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया कि बिरसा का लवर आदिल आया हुआ है और वो इस वक्त उसके साथ उसके कमरे में। इसमें गलत क्या कहा? वो अपनी मंगेतर के साथ आया था हमारे बेटे को देखने, हमसे मिलने। हाँ तो बहाना तो कुछ भी हो सकता है। एंड बाय द वे, हमसे नहीं सिर्फ विरसा से मिलने। इन्हें अगर अपनी बकवास बंद नहीं की, मैं कमरे से बाहर चला जाऊंगा। कमरे से निकल के जाओगे कहाँ, ये भी बता दो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सूफी, तुम जहनी मरीजा बन चुकी हो। और जहनी मरीजा बनाया किसने? बोलो, तुमने। विरसा विरसा विरसा, दिन रात उसकी तस्वीर लिए घूमते हो। अच्छा बुरा खराब से कुछ भी हो, मगर माना उसी के जपते रहे। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर, परसों भी उकलोगी ना तब भी खत्म नहीं होगा ये। मेरे अंदर जहर है तो सबर भी है। तुमने तो चार झूठी बातों पे यकीन करके विरसा से मुंह मोड़ लिया, मगर मुझे देखो, मैंने तो हजार सच देख के भी सिर्फ तुम्हें चाहा। कार, वकार, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम किसी और को चाहो, कोई और तुम्हें चाहो।